बच्चे इनका भविष्य खराब होने लग रहा है, हमको टीचर चाहिए मिडिल तक। टीचर नहीं है यहाँ पे, तो हमें टीचर चाहिए, तो बिना टीचर के मतलब बच्चे पढ़ेंगे क्या? हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमें पढ़ाई के लिए टीचर चाहिए। यहाँ जी जो मिडिल क्लास तक, प्राइमरी तक तो टीचर है, जो मिडिल क्लास है उसमें सिर्फ एक हेडमास्टर है। पहले ही कोरोना काल करके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, पढ़ाई खराब हो रही है। अब स्कूल खुले हैं, कोई टीचर नहीं है। जो सरपंच साहब है, जो हेडमास्टर है, वो डीओ साहब के पास भी गए हैं और ऊपर तक भी गए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इनको जो ये बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब होने लग रहा है, हमको टीचर चाहिए मिडिल तक। आठवीं तक का है जी। तो आज क्या प्रोटेस्ट किया? भाई ये जो आठवीं तक जितने भी टीचर हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएं, और ऐसे तो फिर इनका बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। सर ये के बच्चे तो आए तो टीचर नहीं है यहाँ पे, तो हमें टीचर चाहिए, तो बिना टीचर के मतलब बच्चे पढ़ेंगे क्या? तो कितने टीचर हैं फिलहाल यहाँ? फिलहाल तो सर एक है, एक मतलब काम करेंगे, बड़े सर हैं जो काम करेंगे बच्चों को, मतलब पढ़ाएंगे। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और कोई स्टाफ नहीं है जी? नहीं सब मतलब चेंज हो गए, बदली हो गई उनकी। कब से ये समस्या आ रही है आपको? 2 साल हो गए। हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमें पढ़ाई के लिए टीचर चाहिए। कैथल प्रशासन, शिक्षा विभाग तो ये बच्चे इनका भविष्य खराब होने लग रहा है, हमको टीचर चाहिए मिडिल तक। टीचर नहीं है यहाँ पे, तो हमें टीचर चाहिए, तो बिना टीचर के मतलब बच्चे पढ़ेंगे क्या? हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमें पढ़ाई के लिए टीचर चाहिए।